पाकिस्तान से आई गीता को लेकर इंदौर से ताज़ा जानकारी सामने आई है। दरअसल गीता के परिजनों को अब इंदौर पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ में ढूंढा जा रहा है। फिलहाल गीता इंदौर के मुखबधिर आश्रम में रह रही है। यहां गीता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले गीता ने अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बाद में गीता ने शादी करने से खुद इनकार कर दिया। DIG हरिनारायण चौरी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गीता ने साउथ के हीरो को पहचाना है और उसका इशारा छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लगातार इंदौर पुलिस गीता के परिजनों को तलाश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार गीता अपनों से मिल पाती है या नहीं। जिस बारे में, जिस संस्कृति के बारे में उसे पता है, जो खान पान है, उसके जो संगीत जो उसे पसंद है, जो उसका जिस कल्चर के बारे में कुछ चीज़ है उसको जो गहराई से पता है, और ये सब सारी चीज़ें वो है जो कि व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा हो तब भी जानता हो। ये उसके बातें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और आसपास के परिवेश से वो स्वतः सीख जाता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया जो चीज़ें सामने आई कि वो तेलंगाना के उत्तरी हिस्से या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में किसी खास जो संक्रमण क्षेत्र है, जो लगे हुए जो हिस्से हैं उनमें से किसी क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जानकारियां मिली वो इस बात की तरफ इंगित करती थी। इस बात की जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है, उन जिलों से संपर्क किया जाएगा, वहां पर इसकी जानकारी भेजी जाएगी और पुलिस कोशिश करेगी कि पूरी कोशिश के कारण अगर वो घर पहुंच जाती है तो पुलिस की एक बड़ी सफलता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।